हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी एयरमेट चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम पोस्टपेड के अपडेट के बारे में, पूरा फुल लाइव प्रोसेस बताऊंगा। तो पेटीएम पोस्टपेड कैसे आप अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ आपको कैसे लिमिट मिलेगी, क्या करना होगा और आपका नया फीचर नया अपडेट क्या है, पूरा ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और आपको जैसे अपडेट चाहिए पेटीएम बग या फ्री चार्ज बग इस तरीके का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे यदि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेलेक्ट करिएगा यदि आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए दिन तक। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ 30 जून को एक मैंने वीडियो अपलोड किया था 10:57 पर करीब 11 बजे रात में, और उस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको एक फ्री चार्ज बग के बारे में बताया था जो आधा से एक घंटा तक वर्क कर रहा था और करीब 12 बजे तक एक घंटे का टाइम था और सभी लोग ने लूटा। तो आप लोग ऐसे अपडेट के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा और आपको इसी तरह मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आगे का प्रोसेस क्या। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर एनी वैलेट टू बैंक ट्रांसफर, मोबीक्विक वैलेट टू बैंक ट्रांसफर, अमेजॉन टू वैलेट टू बैंक ट्रांसफर जैसी वीडियो मिलती रहती है, जहाँ पर मैं आपको 0% चार्जेस पर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर, इस तरीके के बहुत से ऐसे अपडेट लेके आता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया फ्री चार्ज पे लेटर कैसे अप्लाई करना है, इस तरीके से बहुत से ऐसे अपडेट लेके आता रहता हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा 100% यूजफुल होता है। साथ ही साथ यदि आपको अराउंड पे से लेटर कोई वीडियो आपको चाहिए, आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। एक अराउंड पे मैं एक अपडेट देने वाला हूँ जिससे आप लोग अच्छा खासा मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी वैलेट टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी वैलेट टू मतलब यदि आपका एयरटेल में है या बैलेंस है या अमेजॉन पे बैलेंस है, किसी बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से अपना बैलेंस निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रिचार्ज करने पर कैशबैक भी मिलेगा। और वो वीडियो जो है ज़रूर आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आता हूँ और फटाफट वीडियो आने वाली है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि वीडियो कमिंग सून है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ फ्री चार्ज पे लेटर के बारे में। फ्री चार्ज पे लेटर यदि अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो फ्री चार्ज पे लेटर का पूरा फुल प्रोसेस बता के रखा हूँ, कैसे अप्लाई करना, क्या करना, पूरा ए टू जेड जानकारी दे के रखा हूँ हिंदी में। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, नहीं कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह देता हूँ कि अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड, सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप ओपन कर लेना। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे पेटीएम ऐप ओपन करके चले जाइएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं पेटीएम जैसा ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ पेटीएम पोस्टपेड का क्या अपडेट आया और साथ ही साथ पेटीएम पोस्टपेड कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको लिमिट मिलेगी, नया प्रोसेस क्या, पूरा ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर आने के बाद जैसे अब यहाँ पे पेटीएम पे आते हैं तो पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो करने के बाद आपको यहाँ पे लोन एंड क्रेडिट की सर्विस के सामने ही आपको यहाँ पे पोस्टपेड की सर्विस मिल जाती है। यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा यहाँ पेटीएम पोस्टपेड। यदि आपको यहाँ पे शो नहीं होता तो आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा और आपको जस्ट पासबुक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक और उसका पेटीएम वॉलेट के जस्ट बगल में ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। जैसे ऑल सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पे सामने ही आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस देखने को मिल जाएगी। जैसे आप नहीं अगर मिलता तो आपको यहाँ पे लोन एंड क्रेडिट की सर्विस पे क्लिक करिएगा और क्लिक करके भी आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अब इसका भी यहाँ पे क्लिक करना है पेटीएम पोस्टपेड पे। जैसे आप पेटीएम पोस्टपेड क्लिक करते हैं तो पेटीएम पोस्टपेड के सेक्शन में आप पहुँच जाएंगे। अब आपको क्या करना है इसका आगे का प्रोसेस समझिए। फ्रेंड्स, तो अब आपको यहाँ से पूरी वीडियो देखना होगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप पेटीएम पोस्टपेड पे क्लिक करेंगे और करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। यदि आपने पहले से अप्लाई कर रखा तो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल आ जाएगा। यदि नहीं आता तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर डाल लीजिए। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको उसके बगल में डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोलेगा। नीचे आपको नेम ऑफ द पैन कार्ड, जो पैन कार्ड पे नेम वोट बोलेगा, नीचे आपको ईमेल आईडी बोलेगा और नीचे आपको प्रोसीड के सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के सेक्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाएगा। मैं पूरा फुली प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो लाइव प्रोसेस समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप लाइव प्रोसेस नहीं देख पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू, मतलब आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा ऑफर यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर लिमिट जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कॉन्ग्रेचुलेसन क्या गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्टपेड मिनी यहाँ पे करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेंड लिखे वो 750 रुपये है, यहाँ जो कन्वीनियंस फीस है वो 3% है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्टिवेट माई
स्पेंड लिमिट के सेक्शन में आप क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपको लेना है तो आप क्लिक कर दीजिएगा, यदि आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम समझ लेते हैं। अभी जो इनका पार्टनरशिप थे इससे पहले वो थे क्लिक्स फाइनेंस। क्लिक्स फाइनेंस से पहले जो कंपनी थी वो दूसरी कंपनी थी जैसा आपको पता होगा, लेकिन जो पहली वाली कंपनी जो फर्स्ट टाइम आई थी उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपनी जो कंडीशन थी और पॉलिसी थी इतना नॉर्मल रखा था कि उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। हुआ ये था कि जितने भी जो कंपनी आई थी वो जब पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस दे रही थी आप लोग को, तो हो क्या रहा था कि आप लोग को 30 डेज में 15 डेज में वहाँ रिटर्न करना होता था। आप लोग क्या करते थे उस पोस्टपेड को बैलेंस को निकाल भी सकते थे, तो वो क्या हुआ बहुत से यूज़र्स ने बैलेंस को निकाल लिया और उनका पे नहीं किया, तो वो कंपनी से इनका टाई अप हट गया। उसका दूसरी कंपनी आई जो जिसका नाम था क्लिक्स फाइनेंस। क्लिक्स फाइनेंस कंपनी की तरफ से इनका टाई अप हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ, क्लिक्स फाइनेंस कंपनी इतना हाई चार्ज लेने लगी और उसके साथ ही साथ उनका जो मंथली लिमिट था या 15 डेज का वो कोई लिमिट नहीं दी। उन्होंने क्या किया, यदि आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पेटीएम पोस्टपेड सर्विस का चार्ज लगेगा और वहाँ पे आपको चार्ज देना होता था, एक पैसा निकालने का भी चार्ज देना होता था प्लस साथ ही साथ पैसा वहाँ पे जमा करने का भी इस तरीके से चार्ज था। और उनका चार्ज ये था कि यदि आप पैसे टाइम से नहीं जमा करते तो उसका हाई लेवल चार्ज था, तो इस तरीके से उनका चार्ज था। अभी मेरे पास चार्ज का जो चार्ट अभी प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट टाइम इनका जो कंपनी का पार्टनरशिप हुआ वो हुआ है बिरला कैपिटल। यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से जो कंपनी है उनका यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ। आदित्य बिरला कंपनी यहाँ पे पार्टनरशिप की है और काफ़ी बेस्ट कंपनी है आपको भी पता होगा। और यहाँ पे यदि आपको लोन मिल जाता है और आपने अपना सिविल स्कोर ख़राब किया तो समझ लीजिए लाइफ में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि एज अ बड़ी कंपनी है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स रहेगा। लिमिट बढ़े आपको कम मिल सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे इनकी लिमिट जो बताया जा रहा है 60 या समथिंग बताया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं कि हमको कितनी लिमिट दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए, मैंने आपको टर्म कंडीशन समझा दिया। अब आपको थोड़ा से हम और चीज़ें आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कन्वीनियंस फीस यहाँ पे 3% लिया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले भी आपको पता है कन्वीनियंस फीस लिया जाता था। अब आपको यहाँ पे एक टेक सेल्फी लेना होगा और आपको यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको सबमिट कर देना होगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपसे यहाँ दो चीज़ मांग सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें देना हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी, इतना दे। तो मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड पहले से ऑलरेडी मेरा अपडेट है, तो मुझे क्या करना होगा, एक सेल्फी लेना होगा और सेल्फी लेने के बाद मैं यहाँ पे एक्टिवेट पोस्टपेड के सेक्शन में क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं एक फिर सेल्फी ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेल्फी ले लिया। लेने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे आपको लेंडिंग आपको मिल जाएगा। तो जो इनकी पार्टनरशिप कंपनी हुई है ये काफ़ी अच्छी बेस्ट कंपनी है, लेकिन अभी इनका कन्वीनियंस फीस जो सबसे पहली कंपनी थी उनका कोई भी कन्वीनियंस फीस नहीं लग रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे बस एक फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे 30 डेज़ में आपको यहाँ पे रिटर्न करना होता है, ठीक है पैसा, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बुरी लगी कि यहाँ पे जो मेरी लिमिट थी वो 2000 थी, तो यहाँ पे 2000 ज़्यादा बढ़ा के देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरी लिमिट को और घटा दिया और यहाँ 750 कर दिया। तो हो सकता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि जो आपकी लिमिट रही होगी 5000-10000, तो हो सकता है आपकी लिमिट अब कम मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और यहाँ पर करने के बाद आप एक्टिवेट यहाँ पर नाव के सेक्शन में क्लिक करना है, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपको डिटेल एक बार मैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप एक्टिवेट के नाव पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो चलिए मैं आप एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप एक्टिवेट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट के नाव के सेक्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा आपको अपडेट बताया, पूरा आपको A to Z चीज़ें आपको बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, यदि कोई डाउट है तो भी आप बताइए, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने पूरा फुल प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। इसी तरह लेजर पाने के मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको लेजर से मिल जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे 30 डेज़ में आपको पेमेंट देना होगा, ठीक है। और आपको बहुत सारी दिक्कत है तो आप यहाँ पे अबाउट पेटीएम पोस्टपेड के सेक्शन में जा सकते हैं। जानने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे आइएगा, आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ चार्जेस एंड फीस के सेक्शन पे क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पे चार्जेस एंड फीस के सेक्शन हम समझा देते हैं। यहाँ पे आपका चार्जेस फीस सेक्शन इस प्रकार का है, यदि आप 100 रुपये के ऊपर का है और आप लेट फीस, तो आपको यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं लगेगा, 0 है। और यदि आप 110 से 250 है तो आपको यहाँ पे 10 रुपये देना होगा, और 250 मतलब
250 के ऊपर का है तो आपको यहाँ पे 251-500 के बीच में यदि आपका अमाउंट है तो आपको यहाँ 25 रुपये देना होगा। 501 से लेकर 1000 के बीच में अमाउंट का आपको 50 रुपये, और 1001 के और 2000 के बीच में यदि आपका अमाउंट है तो आपको यहाँ पे 100 रुपये देना होगा। और यदि 2001 और 5000 के बीच में आपका यहाँ पे अमाउंट है 250, और आप 5000 के अबव है तो आपको यहाँ पे 500 रुपये देना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे लेट फीस लगेगा, यहाँ पे इनका मंथली फीस है ये, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपका यहाँ पे इस तरीके से इनका लेट फीस का ये है, ठीक है। और उसके अभी नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का जो आपको लेट फीस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यही आपको पे करना होगा। उसका फिर और इनका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो प्रोसेसिंग, नो इंटरेस्ट, नो प्रोसेसिंग फीस, नो एनुअल कन्वेंस फीस, ठीक है, इनका कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे आने पे मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट के सेक्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे कौन लेंडर है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आती है, सी पेसपोर्ट पोस्टपेड मिनी ड्यूज, ठीक है, आई वांट टू नो अबाउट पोस्टपेड मिनी ईएमआई, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिक्कत आती है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे कंपनी को कॉन्टैक्ट डिटेल की बात कर ले तो यहाँ पे आपको कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया। यहाँ पे लिख के आ गया हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट द लेंडर, मतलब जो हमको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ उनसे मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर मिल जाता है, ठीक है, 1800-270-7000, और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाती है, ठीक है, care.digitalfinance@aditya-birla-capital.com, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाती है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी के थ्रू और एक आप कांटेक्ट के थ्रू, यहाँ पे आपको दोनों फैसिलिटी मिल जाती है। और आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो बिग अपडेट आया वो ये आया कि अब आपको यहाँ पे मंथली फ़ीस, मतलब तो आपको यहाँ पे आप मंथली लिमिट मिल गई है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले हम लोगों को क्या होता था, कोई मंथली नहीं था, मतलब कि आपको बीच में 30 डेज के बीच में यदि आपको पेमेंट करना हुआ 30 डेज 15 डेज में आपको यहाँ पे 30 डेज का नहीं मिलता, 15 डेज का मिलता था, तो 15 डेज में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता था। लेकिन अब आपको यहाँ पे 30 डेज का मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 30 दिन का टाइम मिलेगा और 30 डेज में आपको पेमेंट करना होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह लेजर से पाने के लिए मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको लेजर से मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑफिस चेक करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर नास्ट, ओके बाय।